আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, পাখির ডাক চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে যে ভিডিওটা করছি, এই ভিডিওটা আমার কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যারা বাইরের কান্ট্রিতে থাকে, ওরা আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমাকে হিন্দি ভাষায় একটা ভিডিও বানানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখলে না হেসে আপনারা পারবেন না। যদি হাসি না আসে তাহলে সাবস্ক্রাইব করার কোনো দরকার নেই, যদি হাসি আসে তবেই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিউয়ার্স, ওরা আমার আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে বললো যে ওদের যারা ফ্রেন্ড আছে ওই দেশে আমাকে হিন্দিতে এই জন্যই ভিডিওটা বানাইতে বলছে। ওরা অনেকেই মানে বাংলা ভাষা বোঝে না, তবে হিন্দি ভাষাটা মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের অনেক দেশেই চলে, অনেক দেশের মানুষই বোঝে, এই জন্য আজকে হিন্দি ভাষায় ভিডিওটা বানাচ্ছি ভিউয়ার্স। তো আসেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, পাখির ডাক চ্যানেলে আপ সাবিতা স্বাগতম। মে হুম ইমরান খান বাংলাদেশ সে। আজ মে আপকে আপ লোগো কে সামনে বাত করনে ওয়ালা হুম হ্যান্ড ফিডিংস কে বারে মে। तो उससे पहले ये बोलूँगा व्यूअर्स, मेरे चैनल में अभी तक जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए। तो व्यूअर्स आइए, आज हम आपको क्वालिटीदार हैंड फीडिंग के बारे में बात करूँगा। तो व्यूअर्स देखिए, ये है हैंड फीडिंग का खाना, ये हमारा घर का बनाया हुआ खाना है, मैं खुद बनाता हूँ। तो ये हम पानी के साथ अब घोलेंगे, जिसको घोलने के लिए हमको जो चाहिए एक चम्मच, इसमें से हम उठाएंगे ऐसे डालेंगे। डालने के बाद कुछ आदमी जो भूल करते हैं, जो गलती करते हैं, वो गलती होते हैं कि हैंड फिटिंग का खाना जो है ये ज़्यादातर पानी के साथ ऐसे घुलना चाहिए जो ज़्यादा घना भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो। अगर पतला हुआ तो बर्ड्स के पेट खराब होने का डर रहता है, और अगर ज़्यादा घना हो गया तो उसे बर्ड्स के हजम होने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इससे आपके बर्ड्स के बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो आप जो करिएगा वो मीडियम करिएगा। ये हैंड फीडिंग के बारे में हमें बहुत आदमी बहुत सा सवाल करते हैं, जिसका जवाब हम बहुत ही हैंड फीडिंग में दे चुके हैं। उससे पहले मैं बांग्ला में बहुत हैंड फीडिंग बना चुके हैं, तो अब आप लोगों को रिक्वेस्ट में हम हिंदी में हैंड फीडिंग के बनाए हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में रहते हैं, मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि इमरान भाई, हिंदी में अगर आपको तो हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में आप एक हैंड फीडिंग का वीडियो बनाइए। इसीलिए आप लोगों का रिक्वेस्ट में मैं हैंड फीडिंग के एक वीडियो बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, अगर आपका हैंड फिटिंग देखिए अब रेडी हो गया है, जो ज़्यादा घना भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब ये हमारा लिए बहुत ही तैयार है, इसे हम अपने बर्ड्स को खिलाने के लिए रेडी कर चुके हैं। तो हम जो करेंगे हैंड फिटिंग्स को, हमें ऐसे सीरीज में लेना है। अब देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हैंड फिटिंग खिलाया जाता है। सबसे पहले व्यूअर्स देखिए, बर्ड्स को जो चीज़ करना है उसके पेट पूरे तरीके से खाली होना चाहिए। अगर उसके पेट पूरी तरीके से खाली नहीं होगा तो उसके पेट भरा हुआ होगा तो वो खाने के लिए इतना पागल नहीं रहेंगे। जब अभी देखिए खाने के लिए कितना पागल है, अगर ऐसा पागल होगा बच्चा तो वो ज़्यादा बहुत ही आसान तरीके से टेम होता है। देखिए व्यूअर्स, बजरी से शुरू करके मकाऊ तक जितने बर्ड्स है सभी बर्ड्स को ऐसे टेम किया जाता है। देखिए, अगर जो जो बर्ड्स के पेट में भरा हुआ है वो ज़्यादातर खाने के लिए इतना पागल नहीं है, जिसके पेट ज़्यादा खाली हो गया है वो खाने के लिए बहुत पागल है। देखिए, ये बच्चे की बर्ड्स की उम्र है लगभग 14 से 20 दिन तक, और कुछ बर्ड्स के उम्र है आपके 25 से 30 दिन तक, 2 वीक्स से 13 डेज तक इनकी उम्र है। तो इसको हम हैंड फीडिंग कर रहे हैं बहुत दिन से, इसीलिए ये बर्ड्स मेरे देखिए कितना अच्छा टेम हुआ है। ये उम्र के साथ साथ जितनी बड़े होंगे उतने ही आसान तरीके से टेम होंगे, इसीलिए बर्ड्स के पहले पूरा खाना हजम हो जाना चाहिए, बाद में बर्ड्स को खिलाना चाहिए। तो व्यूअर्स आइए, आपको अब हम दिखा रहे हैं एक एक बर्ड्स को लेके हम कैसे खाना खिलाते हैं। सबसे पहले बर्ड्स को ले लीजिएगा व्यूअर्स, उसके बाद आपको
ऐसे एक कपड़े रखना चाहिए, कपड़े यानी कि टिश्यू भी होने से चलेगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये बर्ड्स को हम कैसे खिलाते हैं, ये देने से पहले ही मुंह में जब डालेंगे उससे पहले ही, देखिए व्यूअर्स, जब इसका पेट खाली रहेंगे तभी वो बर्ड्स ऐसे खाने के लिए पागल रहेंगे। और ऐसे देखिए खूब ही बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको हैंड फिटिंग्स कर लिया। व्यूअर्स देखिए इसके पेट में जो खाना है कितने अच्छे तरीके से चल गया। और अब हम करेंगे सेकेंड बर्ड्स को। अभी हम जिसको हैंड फिटिंग कराया है वो है, उसको रोजी कहते हैं, लव बर्ड हमारे देश में। आपके देश में कौन लव बर्ड, उसका क्या नाम बोलते हैं, ज़रूरी कमेंट्स करके हमको बताइएगा। और इसे बोलते हैं लोटिनो रेड ऑपालाइन। अब हम ये बच्चे को हैंड फिटिंग कराएंगे। देखिए व्यूअर्स, इसका भी हैंड फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बहुत ही आसान है हैंड फिटिंग्स करना, लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं हैंड फिटिंग बहुत ही, उनके बातों से पता चलता है जो हैंड फिटिंग बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बर्ड्स मर जाएंगे। लेकिन इसे नया कोई लोग जो बर्ड्स खरीद के लाया है अभी अभी, वो लोग भी इसे हैंड फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे आसान तरीके से हैंड फिटिंग कोई भी नहीं है। देखिए व्यूअर्स, यह है थर्ड बेबी। ये है चौथा वाला। ये ऑफलाइन नहीं है, ये रेड आइस लोटिनो है, लोटिनो पीस फेस बोलते हैं इसे। चौथा वाला भी खत्म। कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे भी बोलते हैं कि बर्ड्स को हैंड फिटिंग कराने की है तो बर्ड्स उल्टी कर देता है। उल्टी तभी करेंगे व्यूअर्स जब आप बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा खिलाएंगे, बहुत, इसीलिए बर्ड्स को ऐसे तरीके से खिलाना चाहिए कि ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। उसके उसके पेट में जितना दर जगह रहता है उतना ही इसे खिलाना चाहिए। ये देखो व्यूअर्स, ये भी क्लियर हो गया है। ये भी लोटिनो ऑपालाइन है, ऑपालाइन की बेबीज हैं। अब हम व्यूअर्स खिलाने वाले हैं कॉकटेल को। कॉकटेल पाखी के बारे में, कॉकटेल बर्ड्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि कॉकटेल बर्ड्स भी बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत ही सुंदर है। इसे लोटिनो कॉकटेल बर्ड्स बोलते हैं। ये बर्ड्स भी मैं बहुत छोटा लाया था, ये भी बहुत ही बड़ा हो गया है। इसको खिला रहे हैं तो ये थोड़ा खाना बाहर में गिरा रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने उतना भी छोटा नहीं लाया था, इसको थोड़ा बड़ा लाया था, इसीलिए इसको हैंड फिटिंग में ज़्यादातर टाइम लग रहा है। तो व्यूअर्स, हम अब जो बर्ड्स को खिलाने जा रहे हैं इसे कहते हैं वाइट फिशर, अगर कोई कोई इसको एल्बिनो भी कहते हैं। ये थोड़ा मैला हो गया है, इसको स्प्रे करेंगे हम और थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद। इसको भी मैंने 2 वीक्स का लाया था, लेकिन ये अब 25 डेज का हो चुका है, यानी कि 25 दिन का। देख सक रहे हैं ये कितना चालू हो गया है और बहुत ही मैंने एक्टिव हो गया है छोटा बच्चा, थोड़ा थोड़ा उड़ सक रहा है। तो अब हम जिस बच्चे को ले रहे हैं इसको ब्लू मार्क्स कहते हैं, यानी कि कोई कोई इसको ब्लू फिशर भी कहते हैं। व्यूअर्स देखिए, अब हम जिसको, जिस बच्चे को ले रहे हैं ये 30 डे का है, लेकिन इसका पीठ में जो इसका पोशम है
वो अभी तक क्लियरली नहीं आया, क्योंकि इसके बचपन में इसके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स ने इसका पशम उठा लिया था काट के। लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है, ये ज़्यादातर उठ जाता है, देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा इसका पशम निकल रहा है। तो हम ये बर्ड्स को अभी थोड़ा ये खाना सीख गया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर भी इसको हैंड फीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इसका फिटनेस ख़राब हो जाएगा, अकेले इतना खाना नहीं खा सकेगा। और एक हफ्ता व 7 दिन के बाद हम इसको भी अलग कर देंगे, इसको डाल देंगे वो बड़े बर्ड्स के सामने। तो ये है कॉकटेल का छोटा बच्चा, एकदम छोटा व्यूअर्स, ये बहुत ही दुर्बल था ये बच्चा, तो इसको विटामिन के बहुत ही ज़रूरत था, लेकिन हमने इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चा तो अभी मैंने खाना खिलाया है, देख सकते हैं इसको, हम जब ये चीख से निकला हुआ था तभी से इसका बहुत ही दुर्बल था, लेकिन हमने खिला खिला के इसको अभी सही करने का कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो बोरा कॉकटेल है वो थोड़ा बहुत खाना सीख गया है, तो इसे हम अभी पिंजरे में डाल देंगे, और इसके साथ ये लवबर्ड को भी हम अभी पिंजरे में डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा खाना सीख गया है। तो जो बर्ड्स अभी तक खाना सीखा है उसे हम पिंजरे में डाल देते हैं ताकि वो अपने आप खुद ही खा सके, और उसके बाद हमें हैंड फीडिंग का कोई भेजल ना रहे। तो व्यूअर्स, ये भी हमारा हैंड फीडिंग का कॉकटेल था, ये अभी खाना सीख गया है, इसको हम इसके साथ डाल देंगे। और अभी लवबर्ड जो है इसको हम डालेंगे इस बेबीज़ के साथ, जो ये दो बेबीज़ भी हैंड फीडिंग थे, देखिए उसका भी पेट में पसंद नहीं था, अभी आ गया है। तो व्यूअर्स देखिए, इसको हम इसके साथ डाल देते हैं, और हफ्ता भर में ये खाना पूरा सीख जाएगा, लेकिन कुछ हल्का हल्का खा सकता है, लेकिन इसको हम फिर भी 2-4 दिन हैंड फीडिंग्स करेंगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट्स में आप बताइएगा, और कौन किस देश से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसीलिए मेरा बहुत जगह में बहुत गलती हो चुका है। तो आप सामने में कैसे वीडियो बनाएंगे और कैसे सही तरीके से बनाना चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बर्ड्स जो लोग पालन करते हैं, तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चन कोई भी धर्म या मज़हब नहीं मतलब करता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चलता है जो बर्ड्स के लिए सिर्फ लव, मतलब है बर्ड्स के लिए सिर्फ, हमारे देश में जो बोलते हैं भालोबाशा, हम लोग बर्ड्स को बहुत लाइक करते हैं, बर्ड्स को बहुत लव करते हैं, इसीलिए हम जो जिस देश में ही है और जो जिस धर्म का ही हो सभी हम लोग बर्ड्स से प्यार करते हैं, उसी प्यार से हमने ये वीडियो बनाया है। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो इतने तक ही, तो अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।